जडेजा ने पलटा मैच। धोनी की सीएसके ने जीता 5वां आईपीएल खिताब। कांटे की टक्कर में गुजरात को हराया। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। गुजरात ने मैच में 215 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश के बाद डकवर्थ लुईस नियम से 15 ओवर में टारगेट 171 रनों का कर दिया गया। इसके जवाब में चेन्नई की टीम 5 विकेट पर 171 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। चेन्नई के लिए डेवोन कॉनवे ने 25 गेंदों पर सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। शिवम दुबे ने 32 और अजिंक्य रहाणे ने 27 रन बनाए। गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 3 और नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। तब क्रीज पर रविंद्र जडेजा थे। उन्होंने मोहित शर्मा की बॉल पर पहले छक्का और फिर चौका लगाकर चेन्नई को फाइनल जिताया। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टीम ने 4 विकेट पर 214 रन बनाए थे। टीम के लिए साई सुदर्शन ने 47 गेंदों पर 96 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके जमाए। सुदर्शन के अलावा रिद्धिमान साहा ने 54 और शुभमन गिल ने 39 रनों की पारी खेली। चेन्नई के लिए मतीशा पथिराना ने 2 विकेट लिए। और इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 विकेट से हराया। एम एस धोनी की टीम चेन्नई ने 5वीं बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। धोनी ने अब सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने के मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।